नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको माउस के बारे में बताएंगे, जिसमें सबसे पहले हम आपको माउस का परिचय देंगे, फिर माउस के प्रकार बताएंगे और अंत में माउस का उपयोग करना बताएंगे। तो चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसे हम आसानी से हाथ में पकड़ सकते हैं। यहाँ आप जो इमेज देख रहे हैं ये माउस की इमेज है। माउस को टेक्निकल लैंग्वेज में यानी तकनीकी भाषा में पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन पर माउस का कर्सर तीर के समान दिखाई देता है। मुख्यतः इसका उपयोग चित्र या ग्राफिक बनाने के साथ किसी बटन या मेनू पर क्लिक करने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से हम कीबोर्ड का उपयोग किए बिना भी अपने कंप्यूटर को नियंत्रित कर सकते हैं। माउस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है वायर्ड माउस। इस प्रकार के माउस को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए केबल का उपयोग करना होता है, और दूसरा है वायरलेस माउस। इस प्रकार के माउस को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए केबल का उपयोग नहीं करना पड़ता। इसमें केबल की जगह कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ का उपयोग होता है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि वायरलेस माउस और वायर्ड माउस दोनों एक ही तरह से काम करते हैं। आइए अब देखते हैं कि माउस किस तरह से काम करता है। हमें माउस को समतल सतह पर हाथ की सहायता से चलाना पड़ता है। आप स्क्रीन पर जो घूमता हुआ एरो देख रहे हैं, इसे हम माउस की सहायता से घुमा रहे हैं। जिस दिशा में हम माउस को घुमाएंगे, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा एरो उसी दिशा में घूमेगा। जैसे अगर हम माउस को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये एरो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगा, और यदि हम माउस को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये एरो भी क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। सामान्यतः माउस में दो बटन्स होते हैं, लेफ्ट बटन और राइट बटन, और इन दोनों बटन्स के बीच में एक स्क्रोल व्हील होता है। इन तीनों की अपनी अपनी उपयोगिता है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। ये तो थी माउस के ऊपरी हिस्से की जानकारी। अब हम माउस की निचली सतह की जानकारी भी दे देते हैं। ये माउस का नीचे का लुक है। इसमें यहाँ आप जो लेसर की लाल लाइट देख रहे हैं, ये कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर को कंट्रोल करने का काम करती है। यहाँ हम आपको बता दें कि पहले के माउस में इस लेसर की जगह पर एक छोटा बॉल होता था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और माउस का उपयोग करना सीख लेते हैं। पहले हम माउस के लेफ्ट बटन का उपयोग आपको बताएंगे। जहां भी हमें कोई काम करना होता है, पॉइंटर को माउस की सहायता से उस स्थान पर ले जाना होता है। मान लीजिए हमें विंडोज के स्टार्ट मेन्यू को ओपन करना है, तो हम अपने पॉइंटर को स्टार्ट बटन पर ले जाएंगे और उसके बाद माउस के लेफ्ट बटन को एक बार दबाएंगे यानी क्लिक करेंगे। ये देखिए मेन्यू ओपन हो गया है। अब यदि आप इस मेन्यू से बाहर आना चाहते हैं, यानी इस मेन्यू को बंद करना चाहते हैं, तो इस मेन्यू से बाहर किसी भी खाली स्थान पर पॉइंटर को ले जाकर फिर से लेफ्ट बटन पर क्लिक करें। देखिए मेन्यू चला गया है। चलिए अब हम फिर से स्टार्ट बटन पर लेफ्ट क्लिक करके नोटपैड ओपन कर लेते हैं। ये देखिए स्टार्ट बटन पर लेफ्ट क्लिक करने पर ये मेन्यू ओपन हो गया है। अब इस मेन्यू में ऑल प्रोग्राम्स पर माउस पॉइंटर ले जाकर लेफ्ट क्लिक करें, फिर एक्सेसरीज पर माउस पॉइंटर ले जाकर लेफ्ट क्लिक करें। एक्सेसरीज पर क्लिक करते ही कुछ सब ऑप्शंस दिखेंगे। इनमें से नोटपैड पर माउस पॉइंटर ले जाकर लेफ्ट क्लिक करें। नोटपैड पर क्लिक करते ही नोटपैड ओपन हो जाएगा। नोटपैड क्या है और इसे कैसे उपयोग करते हैं, ये हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। हम नोटपैड को मिनिमाइज कर देते हैं, यानी इसे छोटा करके छुपा देते हैं। उसके लिए हमें नोटपैड के ऊपरी हिस्से में राइट साइड में दिखाई दे रहे तीन बटनों में से माइनस के निशान पर माउस पॉइंटर को ले जाकर माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करना होगा। ये देखिए नोटपैड मिनिमाइज होकर नीचे टास्क बार में चला गया है। चलिए आपको माउस के लेफ्ट क्लिक का एक और उदाहरण दे देते हैं। जैसा कि आप डेस्कटॉप पर देख सकते हैं, यहाँ स्क्रीन पर हमें कुछ अलग अलग आइकॉन्स नजर आ रहे हैं, जैसे कंप्यूटर, रिसाइकल बीन इत्यादि। अब यदि इसमें से कोई प्रोग्राम खोलना है तो हम माउस के पॉइंटर को उस आइकन पर रखेंगे और शीघ्रता से बिना रुके
माउस के लेफ्ट बटन को दो बार दबाएंगे यानी डबल क्लिक करेंगे। ध्यान रखें, यदि आप एक बार क्लिक करके छोड़ देंगे तो फिर वो प्रोग्राम नहीं खुलेगा। उदाहरण के लिए, हम कंप्यूटर के अंतर्गत किसी ड्राइव में काम करना चाहते हैं तो पहले कंप्यूटर के आइकन पर डबल क्लिक करेंगे। ये देखिए, ऐसा करते ही कंप्यूटर विंडो खुल गई है। अब मान लीजिए हमें यहाँ पर डी ड्राइव खोलना है, तो उसके लिए पॉइंटर को डी ड्राइव पर रखकर लेफ्ट बटन को शीघ्रता से बिना रुके दो बार दबाएंगे यानी डबल क्लिक करेंगे। ऐसा करते ही देखिए कंप्यूटर विंडो के अंतर्गत डी ड्राइव खुल गई है और उसके अंदर सेव किए हुए फोल्डर्स नजर आ रहे हैं। फोल्डर्स क्या होते हैं ये भी हम आपको आगे की वीडियोस में बताएंगे। अब यदि इस विंडो को बंद करना हो तो उसके लिए ऊपर राइट साइड में दिखाई दे रहे क्रॉस के निशान पर माउस पॉइंटर ले जाकर लेफ्ट क्लिक करेंगे। ये देखिए, ड्राइव वाली विंडो बंद हो गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने आपको माउस के लेफ्ट बटन की सहायता से कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम, ड्राइव इत्यादि ओपन करना बताया। अब देखते हैं कि यही काम राइट बटन की सहायता से कैसे कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम राइट क्लिक की सहायता से कंप्यूटर विंडो खोलना चाहते हैं, तो माउस पॉइंटर को कंप्यूटर आइकन पर ले जाएं, उसके बाद माउस के राइट बटन को एक बार क्लिक करें। ऐसा करते ही ये मेन्यू आपके सामने आ जाएगा। इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है ओपन, इस पर एक बार लेफ्ट क्लिक करें। ओपन पर क्लिक करते ही देखिए कंप्यूटर विंडो खुल गई है। इस विंडो को बंद करने के लिए क्लोज बटन पर पॉइंटर ले जाकर के लेफ्ट क्लिक करें। अब देखिए हम वापस डेस्कटॉप पर आ गए हैं। अब हम आपको बताते हैं स्क्रॉल व्हील का उपयोग। स्क्रॉल व्हील का उपयोग मुख्यतः दो कार्य के लिए ज्यादा किया जाता है। पहला, किसी फाइल के पेज, वेबसाइट के पेज या फोल्डर की लिस्ट इत्यादि को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर स्क्रॉल करके देखने के लिए, और दूसरा, यदि आप कोई तस्वीर देख रहे हैं तो उसे बड़ा करके देखने के लिए। चलिए उदाहरण के साथ आपको ये समझा देते हैं। उसके लिए हम नीचे टास्क बार में छुपे हुए नोटपैड पर क्लिक करेंगे। ये नोटपैड दिखाई पड़ रहा है, इसे फुल स्क्रीन करने के लिए मैक्सिमाइज पर क्लिक करेंगे और अब इसमें कुछ पैराग्राफ लिख लेते हैं। यहाँ हमने कुछ पैराग्राफ लिख लिए हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं राइट साइड में और नीचे की ओर दो स्क्रॉल बार दिखाई पड़ने लगे हैं। ये टेक्स्ट एरिया को ऊपर नीचे या दाएं बाएं खिसकाने के लिए होते हैं। ऊपर नीचे खिसकाने के दो तरीके हैं। पहला, माउस के स्क्रॉल व्हील को ऊपर नीचे घुमाकर पेज को ऊपर नीचे खिसका सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि हम स्क्रॉल बार पर माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करके बिना क्लिक छोड़े ऊपर नीचे या दाएं बाएं ड्रैग करें। अब हम नोटपैड को फिर से मिनिमाइज कर देते हैं और आपको स्क्रॉल व्हील का दूसरा उपयोग दिखा देते हैं। उसके लिए हमें कंप्यूटर में सेव की हुई कोई इमेज ओपन करना होगी। हम कंप्यूटर पर डबल क्लिक कर रहे हैं और अब यहाँ से डी ड्राइव सिलेक्ट करने के लिए उस पर पॉइंटर ले जाकर डबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ दिखाई दे रहे पिक्चर फोल्डर पर डबल क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से किसी पिक्चर पर डबल क्लिक करेंगे। ये देखिए इमेज ओपन हो गई है। अब यदि हम माउस के स्क्रॉल व्हील को ऊपर की तरफ घुमाएंगे तो आप देख सकते हैं इमेज बड़ी होती जा रही है, और अगर इसको वापस से नॉर्मल पोजीशन में लाना है तो स्क्रॉल व्हील को नीचे की तरफ घुमाते जाएं। देखिए इमेज वापस पुराने साइज में आ रही है। इस तरह से आपने देखा कि इमेज को जूम इन और जूम आउट करने के लिए यानी उसको छोटा और बड़ा करने के लिए माउस के स्क्रॉल व्हील का उपयोग कर सकते हैं। अब इस इमेज वाली विंडो को बंद कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि माउस की सहायता से किस प्रकार किसी भी विंडो को एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे ड्रैग या मूव कर सकते हैं। हमने जिस नोटपैड को मिनिमाइज किया हुआ था उस पर जाकर लेफ्ट क्लिक करते हैं। ये देखिए नोटपैड डेस्कटॉप पर आ गया है। हम रीस्टोर डाउन यानी मैक्सिमाइज से इस विंडो को छोटा कर देते हैं। अब यदि हमें इस विंडो की जगह ठीक नहीं लग रही है
हम इसे किसी और जगह पर ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले माउस की सहायता से पॉइंटर को नोटपैड के टाइटल बार पर लाएंगे और माउस के लेफ्ट बटन को दबाकर रखते हुए यहाँ वहाँ या जिस भी स्थान पर ले जाना चाहते हैं उस स्थान पर माउस की सहायता से ड्रैग करके यानी खींचकर ले जाएंगे और उसके बाद माउस का क्लिक छोड़ देंगे। क्लिक छोड़ने के बाद अगर आप माउस के पॉइंटर को इधर उधर ले भी जाएंगे तो देखिए नोटपैड की ये विंडो इधर उधर नहीं खसकेगी। हम क्रॉस पर क्लिक करके नोटपैड को बंद कर देते हैं। यहाँ पर एक खास बात ध्यान रखें, बोलचाल की भाषा में माउस से क्लिक करें से मतलब होता है माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करना। इसी तरह डबल क्लिक से मतलब होता है माउस के लेफ्ट बटन से जल्दी जल्दी दो बार क्लिक करना। जब माउस के राइट बटन से क्लिक करना होता है तो बोला जाता है माउस के राइट बटन पर क्लिक करें या फिर राइट क्लिक करें। इसी के साथ माउस के बारे में जानकारी पूरी हुई। अब आप प्रैक्टिस करते रहिए।